सो व्हाट्सअप गाइज, क्या हाल चाल। एंड गाइज यार, आज का जो फोटो है वो आप लोग देख सकते हैं कितना हार्ड एडिट हुआ है। और आप लोग का भी बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था भाई कोई हार्ड वाला कंसेप्ट लग रहा हो, तो मैं सोचा क्यों ना आप लोग के लिए एकदम हार्ड वाला कंसेप्ट लाया जाए और आप लोग को सेम इसी प्रकार का एडिटिंग सिखलाया जाए, जो कि आप लोग इस फोटो को देखे से ना कितना ही ज़्यादा रियल लग रहा है देखने में, जैसे कि लग रहा है ये एडिट नहीं है। बट गाइज आपको बता दूँ कि ये एडिट फोटो है और आप लोग को भी 100% सेम ऐसा एडिट करना सिखाऊंगा। वो भी बताऊंगा किस तरह आप लोग दोनों का कलर टोन किस तरह मैच करा पाएंगे, जो कि आप लोग जब फोटो एडिट करते हैं तो क्या होता है आपका जो फेस का कलर टोन होता है वो अलग हो जाता है और गर्ल का जो फेस होता है वो अलग कलर का हो जाता है, जिससे कि देखने में पूरा ही फेक लगता है। बट मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक को देखकर आप लोग सेम इसी प्रकार का दोनों का जो फेस है वो सेम एडिट और सेम कलर मिला पाएंगे। तो सिंपली इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वाले वीडियो को फुल वॉच करना होगा। एक और बात कि आप एक नाइंसाफी करते हैं मेरे साथ, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं मैं वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाता हूँ और फोटो बनाने में तो बहुत समय लगता है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं बस 100-150 इतना ही लाइक करते हैं वीडियो में। तो प्लीज़ यार बस इस वाले वीडियो को बस आप लोग 200 लाइक कीजिए। देखिए मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग 1000 कीजिए 2000 कीजिए, बस आप लोग क्या है बस इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 200। तो प्लीज़ यार 200 कंप्लीट करा दीजिए, उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी एंड मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक लग रहाऊंगा। तो देखिए इस फोटो को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक ऐसा फोटो क्लिक करना होगा। और एक बात की क्लिक करते समय आप लोग एक बात का ख्याल रखिएगा, जो देखिए मैं किस तरह पोज दिया हूँ, किस तरह मैं अपना शरीर रखा हूँ और किस तरह मेरा फेस का कलर टोन है और मैं किस तरह से नीचे की तरफ ताका हूँ, यानी कि सेम आप लोग ऐसा पोज दे दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फेस को करना है स्मूथ, जो कि आप लोग तो जानते हैं कि फेस को आप लोग स्मूथ करते हैं बट क्या होता है कि फेस पर डार्क डार्क आ जाता है। क्यों डार्क आता है, क्योंकि जो हमारा पहले का चेहरा होता है उतनी सब खराब होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना, अपने फोटो को आपको लाइट एप्लीकेशन में सेंड करना। देखिए आपको पूरा ही शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूं, जो कि अगर आप लोग इस वाले तरीका को यूज करते हैं तो आप लोग भी सेम मेरे जैसे एडिट कर पाएंगे। तो देखिए यहां पे मेरा फोटो आ चुका, उसके साथ मैं आपको दूंगा एक ठो प्रीसेट, जो कि देखिए प्रीसेट कोई इतना खास नहीं है, बस क्या होता है कि इससे आप लोग गजब का फेस स्मूथ अपना कर पाएंगे। तो आपको जाना है ऊपर जो ये 3 डॉट का ऑप्शन है आप लोग को इस पे चले जाना है, फिर आपको कॉपी सेटिंग पे जाना है, इसको मार्क लगाकर आपको सही पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग आइएगा अपने फोटो पे और अपने फोटो पे आने के बाद बस आपको 3 डॉट पे जाना है और उसको आप लोग कॉपी किए थे इसको हम क्या करेंगे पेस्ट कर देंगे। देखिए 1 क्लिक और मैं आपको अंतर दिखा देंगे बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि फेस भी आप लोग जूम करके देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि जो मेरा पहले का फोटो था क्वालिटी पूरा लो था लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं कितना हार्ड क्वालिटी हो चुका है। तो आप लोग ऐसा क्वालिटी हाई कर लीजिएगा, हाई करने के बाद आपको जो अपना फोटो है उसको क्या करना सेव कर लेना है। देखिए मैं सारा स्टेप जो मैं यूज करता हूँ वो ये स्टेप आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज यार बस एक ठो कमेंट कर दीजिएगा अपने भाई के लिए, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट आप लोगों का कमेंट देखकर मिलता है। ठीक है, तो प्लीज बस आप लोग डेली सपोर्ट करते रहिए एंड मैं भी फुल सपोर्ट आपको करता हूँ एंड जितने भी मेरे पहले के फॉलोअर्स हैं वो सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोग कितना सपोर्ट करता हूँ। और मैं आप लोग के लिए स्पेशल मैं ग्रुप भी बना रखा है इंस्टाग्राम के ऊपर, जो कि हैशटैग एंड बहुत कुछ टिप्स एंड ट्रिक आपको देता रहता हूँ। तो देखिए आपको इतना काम के बाद क्या करना, अपने फोटो को आप लोग को स्मूथ कर लेना। देखिए मैं जानता हूँ कि आप सभी लोगों को स्मूथ करना आता है, तो इसलिए मैं स्मूथ का वीडियो नहीं बनाया हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो आप लोग को स्मूथ कर लेना है, स्मूथ करने के बाद आपको क्या करना, अपने फोटो को आप लोग को ले चलना है फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर। एंड गाइजर एक और बात कि आप लोग समझते हैं कि हम लोग को वीडियो बनाने में बहुत कम मेहनत लगता है, बट ऐसा नहीं है। आप लोग इस समय पे आप लोग टाइम देख सकते हैं कितना बज रहा है, 2 बज रहा है, यानी कि रात के 2 बज रहा है और मैं इस टाइम पे आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग समझ सकते हैं बहुत कुछ सोचना पड़ता है तब जाकर वीडियो फोटो बनता है, जो कि आप लोग सोचते हैं कि बस ऐसे ही बना लिया, ऐसा नहीं है गाइस। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है। तो देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली देखिए आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको ये जो ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन है इस पर बस एक बार क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा हमारा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो आपको क्या करना है इस वाले फोटो को सेव कर लेना है। आप लोग तो जानते हैं इससे क्या होता है, बैकग्राउंड कटआउट होता है, तो मैं सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए इस पर क्लिक करते ही गाइस क्या होगा कि आपका जो फोटो का गैलरी में सेव हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि गैलरी में सेव हुआ कि नहीं हुआ, तो देखिए आप लोगों को सामने कितना मस्त एकदम HD क्वालिटी में फोटो मेरा सेव हो चुका। उसके बाद मैं आपको दे दूंगा एक ठो बैकग्राउंड, इस वाले बैकग्राउंड को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, यानी कि बैकग्राउंड हो गया, प्रीसेट हो गया,
सबका लिंक आपको मिल जाएगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में। तो आपको उसके बाद क्या करना है, डाउनलोड के बाद आपको आ जाना है पिक्सआर्ट में बैकग्राउंड को लेकर, एंड उसके बाद आप लोग करना अपना सारा सेटअप। तो आप लोग को आना है ऐड फोटो पे। उसका देखिए ऐड फोटो पे आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले गर्ल का पीएनजी लेना है। तो मैं चलता हूँ नीचे और देखिए नीचे मैं रखा हूँ गर्ल का पीएनजी, ये रहा, तो इसको मैं लूँगा। फिर आपको ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद इसको क्या करना है, जूमिंग करके आप लोगों को देखिए इस प्रकार से आप लोगों को लगा देना है। एंड इसको मैं इतने से नीचे करूँगा, इतना पे देखिए, इतना पे आप लोग भी लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको सिंपली आना है ऐड फोटो पे। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, अपना फोटो ले लीजिएगा। फिर आपको जूमिंग करके इस प्रकार से देखिए आप लोग को इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से इसको इतना पर लगाना है, देखिए इतना पे। एंड इतना पे करेंगे इसको मूव डाउन कर देंगे देखिए इस प्रकार से। तो देखिए मैं जैसे लगा रहा हूँ ऐसे आपको भी लगाना है। देखिए इतनी सा अपने जो फिर अपना जो शरीर है उसको इतनी सा ऊपर रखिएगा आप लोग इतना पे। देखिए गाइस मैं जैसे लगा रहा हूँ ऐसे सेम आपको भी लगाना है। एंड गर्ल का पीएनजी मैं इतनी सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ ताकि फोटो देखने में पूरा मेरा मस्त लगे। तो आप लोग को इसी प्रकार से मस्त एकदम बैठा देना। देखिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सब कुछ आपको बताऊँगा कलर किस तरह एडजस्ट किया जाता है। तो मैं इतनी सा और भी मेहनत करता हूँ और अच्छे प्रकार से इसको बैठा देता हूँ। तो देखिए आप लोगों को इतना काम के बाद क्या करना है, सिंपली अपने फोटो को सेव पे क्लिक कर देना। आप लोग अच्छे प्रकार से सारा काम करिएगा। उसके बाद आपको जो अपना फोटो है उसको कहाँ पे ले चलना, डायरेक्ट स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो देखिए मैं आ जाता हूँ स्नैपसीड में। उसके बाद आपको क्या करना, देखिए ध्यान से आप लोग, जो आपका फेस का कलर है वो तनी सा अजीब टाइप का है और इसका अजीब टाइप का। तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले इस पे आप लोग को जो गर्ल का पीएनजी पे मार्क लगाना है और सिचुएशन को लो करना है, यानी कि पहले का जो फेस का कलर टोन है इसका वो रेड है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से वाइट कर लूँगा इसको, देखिए इस प्रकार से। तो देखिए आप लोग को भी इसी प्रकार से क्या करना, अपने जो चेहरा है इस गर्ल का चेहरा इसको वाइट करते जाना है, देखिए इस प्रकार से। फिर मैं हाथ को भी क्या करता हूँ इधर से वाइट कर लेता हूँ। इतना काम के बाद आपको अपने चेहरे पर क्या करना, लाइट को देना, देखिए इस प्रकार से। देखिए मैं जैसे लाइट दे रहा हूँ ऐसे आपको भी लाइट को देना है। देखिए आपका सामने ये भी सारा कुछ करूँगा और सेम सेम एडिट होगा, ठीक है, जैसे मैं किया था पहले वैसे सेम होने वाला है। तो देखिए मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, आपको भी क्या करना कर लेना है ऐसे ऐसे, देखिए ये कितना हार्ड। उसका देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, देखिए ये जो गर्ल का पीएनजी है ये स्मूथ नहीं है, तो इसको आप लोग को स्मूथ करना है, जो कि आप लोग तो जानते हैं स्मूथ किससे होता है। आप लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, स्नैपसीड से भी स्मूथ कर सकते हैं या फिर आप लोग चाहे तो ऑटोडेस्क से भी स्मूथ कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग ऑटोडेस्क से स्मूथ करेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे अच्छा होता है। तो फिर आपको क्या करना, मैं करूँगा स्नैपसीड से स्मूथ। स्नैपसीड से किस तरह करना वो बताऊँगा, जो कि मैं जानता हूँ आज तक आप लोगों को नहीं पता होगा कि स्नैपसीड से भी स्मूथ होता है। देखिए इससे स्मूथ करने के लिए आपको आना होगा लेंस ब्लर पे। उसके बाद इसको पूरा लो करके एंड ब्लर को तनी से इतना कर देंगे। फिर आपको इसको सही करके फिर आपको क्या करना है, आपको आना है व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे और आपको व्यू एडिट पे जाना है, इस वाले पे जाना है, बीच वाले पे क्लिक करना। उसके बाद देखिए ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। तो देखिएगा देखिए कितना हार्ड स्मूथ हो रहा है, जो कि आप लोग देखिए कितना मस्त मेरा सारा स्मूथ हो रहा है। तो आप लोग को भी इसी प्रकार से क्या करना, अपना चेहरा स्मूथ। देखिए सबसे न्यू ट्रिक है, जो कि ऐसा ट्रिक आज तक आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, जो कि मैं सबसे नया ट्रिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो आप लोग इसी प्रकार से क्या कीजिए, अपना चेहरा स्मूथ कर लीजिए। देखिए देखिए कितना हार्ड स्मूथ हो रहा है आप लोगों के सामने, देखिए कितना मस्त देखिए स्मूथ हो रहा है गाइस। तो आप लोग भी इसी प्रकार से अपना चेहरा जो है उसको स्मूथ कर लीजिएगा, नाक को सारा कुछ आप लोग को स्मूथ करना है। देखिए इस प्रकार से ये स्मूथ हो गया। फिर आपको जो अपना हाथ है इसको भी आप लोग को इस प्रकार से स्मूथ करना। देखिए इतना काम के बाद आपको एक और काम करना है, कौन सा काम करना है, देखिए ये सही हो रहा है फिलहाल में और मैं इसको क्या करता हूँ अपने हिसाब से, आप लोग एडजस्ट भी इसको कर सकते हैं। मैं इसको ब्लर को देने से कम करता हूँ, देखिए देखिए उसके बाद सही करता हूँ। देखिए कितना मस्त देखिए मेरा फोटो हो चुका है सारा काम। तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग और चाहते हैं स्मूथ करना तो कर सकते हैं, बट मैं इतना ही बोलूँगा कि आप लोग गर्ल का जो पीएनजी है उसको ज़्यादा स्मूथ मत करिएगा। उसके बाद आपको आना है सिलेक्टिव पे और आप लोग को अच्छे प्रकार से एक बार और अच्छे तरह से लाइट को दे देना है। देखिए आप लोगों को इतना काम के बाद क्या करना है, अपने फोटो को डायरेक्टली चलना है कहाँ पे, लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। और ये हमारा सबसे लास्ट वाला स्टेप होने वाला है, जो कि देखिए मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके छोटा सा वीडियो बनाया हूँ ताकि आप लोगों को सारे को समझ में आ सके। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको आना है एक लाइट पे और आपको एक्सपोजर को हाई करके एंड हाईलाइट को लो करके शेडो को हाई करना है। उसके बाद आप लोग को वाइट को भी इतनी से हाई करना है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, कलर पे आइएगा, फिर आपको ये जो ऑप्शन है ग्रेडिंग का आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है।
फिर देखिए आपको नीचे तीन ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग लुमिनेंस को लो करिएगा और फिर इसको भी इतने से लो करिएगा, इतना काम कर दीजिएगा। फिर आपको सही पे क्लिक करना है, फिर आपको मिक्स पे आना है और मिक्स पे आने के बाद एक नंबर पे जाकर इसको पूरा हाई करके एंड इसको आप लोग को इतना करना है। इससे क्या हो रहा है, देखिए जो हमारा ओठ है वो कितना मस्त रेड कलर का हो रहा है, तो आप लोग को इतना काम करना है। फिर आपको आना इस कलर पे, इसको हाई करेंगे एंड इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा अपने हिसाब से रख लीजिएगा। उसके बाद आपको आना इस कलर पे एंड इसको भी आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा, मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा, ठीक है, तभी फोटो आपका मस्त लगेगा। तो मैं इसको इतना करता हूँ, फिर आपको आना है दोनों पे एंड इसको लो करके आप लोग इसको हाई कर सकते हैं। देखिए फेस पे कितना गजब का लाइट आ रहा है, जो कि इतना काम आप लोग समझ गएंगे। उसके बाद आपको आना कहाँ पे, इसको तो नहीं सर लो करना है, फिर आपको आना है इफेक्ट पे और क्लैरिटी को लो करके इसको भी तनी सा लो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको विंगलेट को भी तनी सा लो करना है। उसके बाद आपको आना है डिटेल पे, शार्पनिंग को इतना हाई, इसको लो, इसको भी हाई, फिर इसको हाई, इसको हाई एंड गाइजर। उसके बाद देखिए मैं आपको फोटो को जूम करके दिखाता हूँ फोटो कितना हार्ड बना है। तो देखिए जैसे ही मैं फोटो को जूम करता हूँ पूरा ही हार्ड HD क्वालिटी फोटो बन के रेडी हो चुका है। तो गाइजर आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो प्लीज़ यार इतना मेहनत के लिए बस एक ठो लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।